एनडीए में नीतीश कुमार, ये चर्चा जो है ये आम जनता कर सकते हैं। अब कौन किसको धोखा देता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना सच है कि जब दल का विश्वास और नेता का विश्वास नहीं रहे तो उस व्यक्ति को पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। और जिनको बिहार जंगल देश जंगल राज का उपाधि दिया उनका ये दामन थामे है, इनके मन में क्या भाव है, वो क्या देना चाहते हैं प्रांत को? कि इससे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी जब भी किन्हीं के साथ लिए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के भलाई के लिए। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दिया। अब जेडीयू का कमान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संभाला है। जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के बाहर किस तरीके से जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह देखने को भी मिली, और देखिए बीजेपी के नेताओं के तरफ से कई प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कयास बिहार में ये लगाए जा रहे हैं कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं, क्या फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ जाएंगे। तमाम सवालों का जवाब बिहार के दोनों नेता प्रतिपक्षों ने दिया है। हमने दोनों से बातचीत की है, किस तरीके से दोनों ने बीबाकी से नीतीश कुमार को गिरा है और कह रहे हैं कि बड़ा फिल्म आने वाला है। कौन सा फिल्म होगा जरा सुनिए। नीतीश कुमार ने कमान अब जनता दल यूनाइटेड का संभाल लिया है, किस तरीके से इसको देखा? अध्यक्ष बनने के लिए स्वागत है, उनके दल का आंतरिक मामला है और दल के अंदर का निर्णय स्वागत के योग्य होता है। लेकिन कई बातें सामने आ रही थी कि ललन सिंह जो है वो धोखा दे रहे हैं नीतीश कुमार को, आपको भी लगता है कि बहुत दिन से ये स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है? अब कौन किसको धोखा देता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना सच है कि जब दल का विश्वास और नेता का विश्वास नहीं रहे तो उस व्यक्ति को पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। इनको पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये दुर्गति कर करके इस तरह के वातावरण बना करके हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, मुझे भी दुख है कि ये गति में उनको पहुंचा दिया। स्वाभिमान से जीने के लिए इस तरह का अपमान कतई उचित नहीं। आपको क्या लगता है किस तरीके से इस चीज को देखते हैं नीतीश कुमार ने अब कमान संभाला है जनता दल यूनाइटेड? वो तो कमान संभाले हैं, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी जो जिनका दामन थामे है, बिहार उनके समय में पूरे देश में बदनाम हुआ था, जंगल राज का उपाधि मिला था, और जिनको बिहार जंगल देश जंगल राज का उपाधि दिया उनका ये दामन थामे है, इनके मन में क्या भाव है, वो क्या देना चाहते हैं प्रांत को? इसलिए जो भी कुछ हो रहा है ये इन लोगों के द्वारा जो हो रहा है वो बिहार के लिए वो बहुत बेहतर नहीं है। बेहतरी के लिए करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं का एक एक कदम बिहार के चर्चा वापस आने की भी लग रही है कि नहीं वापस नीतीश कुमार फिर से आ सकते हैं एनडीए में? एनडीए में नीतीश कुमार, ये चर्चा जो है ये आम जनता कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप किन्हीं से पूछेंगे तो ऐसा अब प्रतीत नहीं होता है। और दूसरी बात कि इससे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी जब भी किन्हीं को साथ लिए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के भलाई के लिए। जब जब बिहार के भलाई महसूस हुआ तो भारतीय जनता पार्टी उनका साथ लिए है। फिर से वापस आ सकते हैं ऐसा अभी प्रतीत नहीं हो रहा है। और दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे शीर्ष के नेतृत्व इसके लिए वो सक्षम है कि बिहार का भला कैसे होगा वो उनको पूरा पता है। निश्चित रूप से सही समय पर सही निर्णय लेंगे, सही समय पर सही निर्णय होगा। दोनों नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ मौजूद थे और देखिए जो चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए में वापस आ सकते हैं? विजय कुमार सिन्हा ने भी कहा है कि अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। ये पिक्चर किस तरीके से क्या होने वाली है आने वाले दिनों में ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव चिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द लाइव चिटीज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।